स्टूडेंट्स uh, आज अभी हाँ हम ट्रांसपोर्टेशन uh, पढ़ रहे थे पिछले वीडियो में आपके एमएससी फाइनल ईयर के फर्स्ट पेपर प्लांट फिजियोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म के अंतर्गत uh, जो सॉलिड ट्रांसपोर्टेशन ट्रांसपोर्टेशन पढ़ रहे थे उसमें हमने लास्ट वीडियो में पैसिव नॉन मीडिएटेड ट्रांसपोर्टेशन के बारे में बात की एंड डिफरेंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन लाइक एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन पैसिव ट्रांसपोर्टेशन मीडिएटेड एंड नॉन मीडिएटेड पैसिव ट्रांसपोर्टेशन इन सब की हमने बात की अभी हमको हम आगे एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के बारे में पढ़ेंगे उससे पहले हमारे सिलेबस में है नस्ट इक्वेशन नन्स्ट इक्वेशन एक ये जो इक्वेशन है ये डिटरमाइन करती है कि कोई जो आयन है वह साम्य अवस्था में है या नहीं और साम्य अवस्था का मतलब है यहाँ पर कि आयनों की जो संख्या है मेम्ब्रेन के दोनों तरफ बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन के दोनों तरफ समान अवस्था में है या नहीं है सो नस्ट इक्वेशन कैन बी यूज एट एनी टाइम टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन आयन सो द नस्ट इक्वेशन कैन बी यूज एट एनी टाइम टू डिटरमाइन वेदर ए गिवन आयन इज एट इक्विलिब्रियम अक्रॉस ए मेम्ब्रेन So across a membrane the given ion is at equilibrium or or not it is to be determined by the Nernst equation. So this is the utility of Nernst equation, this is the significance of Nernst equation. So uh, we are going to uh, formulate the Nernst equation uh, in which uh, uh, however uh, a distinction must be made between the equilibrium and steady state. Steady state jo hai or equilibrium samya avastha. दोनों में जो है थोड़ा अंतर होता है जो स्टेडी स्टेट होती है या स्थिर प्रावस्था जो है एक ऐसी प्रावस्था होती है जिसमें किसी भी uh, जो विलय है उसका इनफ्लक्स और एफ्लक्स यानी कि अंदर आना और बाहर जाना जो कि है वो समान मात्रा में होता है ठीक है ना एंड देर फॉर द आयन कंसनट्रेशन आर कॉन्स्टेंट ओवर टाइम तो समय के साथ क्या रहेगा कि uh, जो आयन की जो सांद्रता होगी वह हमेशा एक स्थिर प्रावस्था में होगी कांस्टेंट होगी यानी कि स्थिर प्रावस्था में आयनों की सांद्रता बराबर रहती है उनका इन्फ्लक्स आना और बाहर जाना दोनों ही बराबर होता है तो स्टेडी स्टेट का मतलब यह नहीं है कि वह है जो है साम्य अवस्था में है ठीक है तो स्टेडी स्टेट में जो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन होता है वह पाया जाता है मेम्ब्रेन के अक्रॉस Okay. And, and and prevents many diffus diffusive fluxes from overreaching equilibrium. So equilibrium and steady state both are different from each other. So uh, we must formulate the uh, Nernst equation now. Nernst equation uh, when the distribution of any solute across a membrane. Suppose like this is this is a membrane. So uh, here are the ions. कंसनट्रेशन ऑफ आयन वेन द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनी सोल्यूट अक्रॉस ए मैमब्रेन रीचेज एंड रीचेज इक्विलिब्रियम दैट मीन्स द अमाउंट ऑफ आयन्स आर इक्वल एट बोथ साइड ऑफ द मैमब्रेन द पैसिव फ्लक्स द पैसिव फ्लक्स J, जे दैट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्रॉसिंग ए यूनिट एरिया ऑफ मैमब्रेन पर यूनिट टाइम किसी एक इकाई एक समय में झिल्ली की जो इकाई क्षेत्रफल है उसको क्रॉस करने वाले विलय की जो मात्रा है वह यहाँ पर हम पैसि फ्लक्स के बारे में बात कर रहे हैं सो so, जब इक्विलिब्रियम होता है साम्य अवस्था होती है तो ऐसे स्थिति में द पैसिव फ्लक्स दैट मीन्स अमाउंट ऑफ सोल्यूट क्रॉसिंग यूनिट एरिया ऑफ मेम्ब्रेन पर यूनिट टाइम इज द सेम इन द टू डायरेक्शंस आउटसाइड टू इनसाइड एंड द इनसाइड टू आउटसाइड अंदर से बाहर जाना और बाहर से अंदर आना दोनों ही दिशाओं में जो पैसि फ्लक्स होगा अर्थात विलय के जो मात्रा होगी वह समान होगा सो वी कैन से जे दैट इज़ द पैसे फ्लक्स वी कैन डी नॉट हियर जे एज द पैसे फ्लक्स सो फ्लक्स आउटसाइड टू इनसाइड ओ टू आई इज इक्वल टू पैसि फ्लक्स फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड

सॉल्यूट का जो क्रॉसिंग है वह है जब समान है तो ऐसी स्थिति में दोनों ही जगह पर बाहर की ओर और, और अंदर की ओर आउटसाइड एंड इनसाइड दोनों ही परिस्थिति दोनों ही जगह पर इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल भी समान होगा किसी एक विशिष्ट आयन के लिए ओके सो दैट वुड बी म्यू जे ओ म्यूज म्यूज म्यू जे इज इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एट आउटसाइड इज इक्वल टू इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल एट इन साइड सो म्यू जे ओ इज इक्वल टू म्यू जे आई म्यू जे जो है इसकी हम बात करें सो so, uh, इसको हम खोलेंगे रीअरेंज करेंगे यहाँ पर देखें तो म्यू जे इज इक्वल टू म्यू जे स्टार्ट स्टार मीनस एट स्टैंडर्ड कंडीशंस कंडीशन प्लस जो भी आपका गैस कांस्टेंट है आर टी आर टी इन सी जे ओ कंसंट्रेशन जो है सी जे ओ आउटसाइड एंड जेड जे एफ ओके सो एट म्यूजे द इलेक्ट्रोकेमिक द केमिकल पोटेंशियल केमिकल पोटेंशियल एट स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस आर टी इन सी जे ओ आउटसाइड मीन कंसेंट्रेशन कंपोनेंट जो है इसका आउटसाइड पर एंड प्लस जेड जे एफ ई जिसकी अभी हमने बात की ये जो है आपके इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कंपोनेंट है तो तीन एक केमिकल पोटेंशियल एट आउटसाइड इसको जब हम खोलेंगे तो इसका पिछली बार हमने बात की थी केमिकल पोटेंशियल जब हमने वाटर पोटेंशियल पढ़ा था उससे पहले केमिकल पोटेंशियल पढ़ा था उसमें हमने देखा कि म्यूजे बराबर म्यूजे एट स्टैंडर्ड कंडीशन प्लस कंसंट्रेशन कंपोनेंट एंड The electric potential component. The same for the inside. This is for outside. O for outside. And same for the inside. Mu j at standard condition. Or we can say the chemical potential under standard condition plus concentration component and concentration component at inside and electric potential component. दोनों बराबर हैं केमिकल पोटेंशियल आउटसाइड एंड केमिकल पोटेंशियल इनसाइड सो आफ्टर रीअरेंजमेंट ऑफ इक्वेशन डिफरेंस इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बिटवीन टू कंपार्टमेंट एट इक्विलिब्रियम दैट वुड बी ई इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिनोट्स हियर एज ई ई आई इज इक्वल टू ई ओ इनसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज इक्वल टू आउटसाइड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बाय रीअरेंजिंग इट ई I minus I O is equal to R T upon जेड J F and that would be common I इन C J outside and upon C J inside. So here ईयर ये जो है आर टी अपॉन जेड J जे एफ इसको नीचे ले लिया है हमने और इन सी जे ओ अपॉन सी जे ये सब जो है ये इसमें कॉमन हो गया आर टी अपॉन जेड जे एफ और ये सी जे ओ सी कंसंट्रेशन ऑफ फ्लक्स आउटसाइड एंड कंसनट्रेशन ऑफ आयन और द फ्लक्स इन साइड सो दिस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस ये जो डिफरेंस है इनसाइड टू आउटसाइड दोनों के मध्य जो डिफरेंस है इज़ नॉन एज अ नस्ट पोटेंशियल फॉर दैट आयन जिस आयन की हमारी बात चल रही है आउटसाइड एंड इन साइड जिसकी वजह से इलेक्ट्रोकेमिकल पोटेंशियल उत्पन्न हो रहा है सो दिस इज द पोटेंशियल दैट इज डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at inside and outside both which are the same. E i is equal to EO and that is equal is equal to delta E Z. That means electric potential of electric potential of given solute. Now again the delta is that means E delta is दट इज ई जे आई बराबर ई जे ओ सो डेल्टा इज ए डिफरेंस बिट्वीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इजिकल टू आर टी अपन जेड जे एफ जो हमने ऐसे लिया था ये वाला जो है डेल्टा जो इस ई आई माइनस ई ओ को हम डेल्टा ई जे लिख देंगे अब गिवन सोल्यूट के लिए तो डेल्टा ई जे बराबर आर टी अपोन जेड जे एफ इन सी जे ओ अपॉन सी जे आई तो डेल्टा ई जे इज इक्वल टू दर फॉर द गैस कांस्टेंट वी एट टू पॉइंट थ्री आर टी अपॉन जेड जे एफ लॉग में लॉग में करेंगे इसको तो लॉग सी जे ओ अपॉन सी जे आई सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट साइड एंड आउटसाइड दैट इज द डेल्टा ई जे सो दिस रिलेशनशिप नॉन एज द नॉस्ट इक्विलेबरियम दैट स्टेट दैट एट एक्विलेबरियम एट इक्विलिब्रियम, डिफरेंस इन कंसनट्रेशन ऑफ आयन, द डिफरेंस इन कंसेंट्रेशन ऑफ आयन बिटवीन टू कंपार्टमेंट्स, इज बैलेंस्ड बाय द वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द कंपार्टमेंट. जो नेक्स्ट इक्वेशन ये कहता है कि साम्य अवस्था की स्थिति में किन्हीं दो कंपार्टमेंट या किन्हीं दो जगहों के मध्य जो सांद्रता का जो अंतर होता है वह बैलेंस होता है बाय वोल्टेज डिफरेंस बिटवीन द कंपार्टमेंट तो दोनों कंपार्टमेंट के मध्य जो वोल्टेज डिफरेंस होगा वही बैलेंस होगा कंसंट्रेशन डिफरेंशिएशन को सो दिस इज ऑल अबाउट द नॉन स्टिक इक्विलिब्रियम नॉन स्टिक इक्वेशन दैट हैज बीन बिन इन योर सिलेबस सो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस इक्वेशन दट सिग्निफिकेंस इज दैट दैट स्टिक इक्वेशन इट इज यूज्ड एट एनी टाइम टू डिटरमाइन whether a given ion is at equilibrium across a membrane or not okay